हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक फिफ्थ चैप्टर का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, दैट इज फ्रूट एंड सीड। फ्रूट क्या है? फ्रूट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स का फाइनल प्रोडक्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी का जब फर्टिलाइजेशन फर्दर होता है और रिप्रोडक्शन पार्ट है, इट इज द लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज द फूड एट सॉरी फ्रूट। फ्रूट क्या है? यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है मैंगो का। फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावर्स की, एंड फर्दर जो फाइनल प्रोडक्ट डेवलप होता है दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ द फ्रूट। और फ्रूट के अंदर सीड भी अवेलेबल होता है, डिफर लेयर्स होती हैं और डिफर सेल्स होते हैं, और वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। राइट, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर डी आर विज, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि सभी इसकी हेल्प ले सकें, इस चैनल से अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें, अपने करियर को डेवलप कर सकें। यहां पर 9th, 10th, 11th, प्लस 1 एंड प्लस 2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी बेस सिलेबस सभी वीडियोज अवेलेबल है, तो सभी यहां पर इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। राइट, सो अब डिस्कस करते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट, यहां पर हमने एक जर्नल एक डायग्राम बनाया कि फ्रूट्स में क्या क्या चीज अवेलेबल होती है। फ्रूट्स में सबसे पहले जो आउटर लेयर है, राइट, जो सबसे पहले जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड द एपिकार्प। क्या कहते हैं इसको? एपी, बाहरी, कार्प मींस उसकी जो लेयर है, उसकी जो कवरिंग है, राइट। सेकंड, एपिकार्प के बाद जो वेरी नेक्स्ट लेयर है, वेरी नेक्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द मीजोकार्प। मीजो मतलब इंटरनल, जो बिल्कुल अंदर है, एंडो और एपी के मिड की जो लेयर है, आई रिपीट, एपी लेयर एंड एंडो लेयर, इनकी जो मिड की लेयर है उसको क्या कहते हैं? दैट इज द मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या है? इंटरमीडिएटरी लेयर है किसी भी फ्रूट की जो इंटरनल लेयर है, मिड लेयर है, सॉरी, दैट इज द, और वेरी नेक्स्ट लेयर टू द एपिकार्प, इट इज कॉल्ड द मीजोकार्प। एपिकार्प का फंक्शन क्या है? फ्रूट को प्रिजर्व करना, यानी जो इंटरनल सेल्स हैं, इंटरनल लेयर्स हैं, उनको प्रिजर्व करना एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है एपिकार्प का, राइट। नेक्स्ट इज द जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि सीड के अपर लेयर, सीड के साथ जो जुड़ रही है, ये सीड है, सीड के साथ जो जुड़ रही है, इस लेयर को क्या कहते हैं? दैट इज द एंडोकार्प। एंडोकार्प मतलब आंतरिक लेयर जो बिल्कुल अंदर है और किसके साथ अटैच है? सीड के साथ एंड मीजो के साथ। अब देखिए, यहां पर मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं किस तरह से एपिकार्प किसके साथ अटैच है? मीजोकार्प के साथ। मीजोकार्प किसके साथ अटैच है? एंडो के साथ।
एंडो प्लस एपी, अभी आपने फर्स्ट में पढ़ा राइट। और एंडो किसके साथ अटैच है? एंडोकार्प अटैच है मीजो प्लस सीड, ये आपको पता होना चाहिए, एक जर्नल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। ये एपिकार्प किसके साथ अटैच है? एपिकार्प अटैच है मीजोकार्प के साथ राइट। मीजोकार्प किसके साथ अटैच है? एंडोकार्प और एपिकार्प के साथ। और एंडोकार्प किसके साथ अटैच है? मीजो और सीड के साथ। तो ये आपको तीन लेयर्स आपको पता होनी चाहिए फ्रूट्स में कौन कौन सी लेयर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल है, आ भी सकता है और नहीं भी, इट्स इंटरमीडिएटरी है और आपकी नॉलेज के लिए ज्यादा जरूरी है रादर देन की एग्जाम। जो फ्रूट का स्ट्रक्चर है आपके नॉलेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये फ्रूट की जो जर्नल मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है एक एग्जाम्पल के साथ। सिमिलरली कोकोनट का एक एग्जाम्पल आता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग राइट, वो भी सिमिलर है, सिर्फ वहां पर फ्रूट्स में क्या लेंगे हम कोकोनट लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है और एक सिर्फ सीड पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, सीड पार्ट वहां पर अलग से डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सीड का। देखिए हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया, फ्लावर्स के पार्ट में डिस्कस किया और फ्लावर्स फर्दर डेवलपमेंट किससे होती है, किसी ना किसी सीड से होगी, किसी ना किसी बीज से होगी, तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है फर्दर, उसमें क्या क्या। सीड को पढ़ने से पहले सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है अगर आपको सीड समझना है। सीड में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला इज द एंडोस्पर्म, सेकेंड इज द एम्ब्रियो। आई रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, पहला होता है एंडोस्पर्म, एक तो होता है कंप्लीट बाहर जो होता है बाहर के लिए एंडोस्पर्म, और होता है सेकेंड इज द एम्ब्रियो। ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ही फर्दर डेवलपमेंट होती है, यहां पर मियोसिस प्रोसेस अकर होता है और जब दोनों गैमेट्स इंटरनली एक दूसरे से मिलते हैं तभी क्या होता है डेवलपमेंट होती है किसी न्यू प्लांट्स की या न्यू किसी भी लेयर की राइट। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं हमेशा, क्या क्या पार्ट होते हैं, एंडोस्पर्म होता है और दूसरा क्या होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो नाम से ही क्लियर है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पर्म का, और एंडो क्या है यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है सीड में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, दैट इज द ये ओवरी इसी के अंडर होता है एम्ब्रियो के अंडर एंड फर्दर इसी के अंडर ही इनकी प्रोसेसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसी जब हम जमीन में हम बीज लगाते हैं तो पानी दिया जाता है उसको, मिट्टी को अच्छा किया जाता है, खाद दी जाती है, बिकॉज ऑफ दैट कि उस सीड को ऐसी फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं कि वो मियोसिस प्रोसेस फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो कर सके, इंटरनली वो फ्यूज हो सके। जब वो फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद बिल्कुल एकदम से ऊपर अपने आप को ब्रेक करता है और इसी ब्रेकेज से ही फर्दर कंसीडरेशन इसे यहां से ब्रेक किया विद इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ब्रेक करता है तो यहां से ये फर्दर न्यू प्लांट्स की यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं विद द फेवरेबल कंडीशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो फिफ्थ लेक्चर है ये आपका फिनिश हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार ओवरव्यू करने जा रहा हूं, कंप्लीट हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं कंप्लीट चैप्टर को एक बार ओवरव्यू करने जा रहा हूं, जरा देख लीजिए। देखिए मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस क्या हैं, राइट, इनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैंने फिर आपको फ्रूट सिस्टम पढ़ाया और शूट सिस्टम पढ़ाया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी को, फिर हमने डिस्कस किया रूट एंड शूट सिस्टम, फिर हमने डिस्कस किया स्टेम को, लीफ हमने डिस्कस किया, राइट, मॉर्फोलॉजी डिस्कस किया, रूट एंड शूट सिस्टम हमने डिस्कस किया, स्टेम को डिस्कस किया, स्टेम के बाद हमने किसको डिस्कस किया था, लीफ को डिस्कस किया था, और डिटेल में रूट को डिस्कस किया है हमने, वो रूट सिस्टम में आ जाता है वैसे, राइट। फ्लावर के बेसिक पार्ट्स को डिस्कस किया हमने, सीड को डिस्कस कर लिया हमने, फ्रूट को डिस्कस कर लिया, राइट, जो बेसिक पार्ट है आपके। एंड फर्दर इसमें जो आगे फर्दर सब टाइप्स एंड टर्मिनोलॉजी बहुत सारी मैंने आपको टेंडल्स थॉर्न्स एंड एटसेट्रा बहुत सारी आपको मैंने आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको बेसिक आपको बताया है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज द स्टेम, लीफ एंड रूट। और फ्लावर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ जनरल आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी के साथ आपका फिफ्थ जो चैप्टर है जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहीं पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका फिनिश होता है। उसके बाद कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि जिसमें फर्दर मॉर्फोलॉजी और फर्दर उसको डिस्कस किया गया है, तीन तरह एग्जांपल है वो आप स्टडी कर सकते हैं, और किसी को कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।